स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं सेल्फ पोर्ट्रेट पॉट, और इस बारे में आपने कई जगह पे देखा होगा, सुना होगा। यदि आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट का गार्डनिंग सेक्शन कभी एक्सप्लोर किया तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट है। गूगल के कई सारे एड्स है और कई सारे वेबसाइट इसको प्रमोट और सेल करते हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वर्किंग एंड बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ वाटरिंग पॉट, इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ सेल्फ वाटरिंग पॉट। द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ वाटरिंग पॉट इज अ प्लांटेशन पॉट, जिसमें हम सॉइल और मीडिया लेके प्लांटेशन करते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट इज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर में एक्चुअल वाटर स्टोर होता है, और वो वाटर स्टोर करने के लिए जनरली टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज होते हैं। द फर्स्ट मैकेनिज्म यूज होता है कि आपको बॉटम ऑफ द पॉट के यहाँ एक बिक या इनलेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें से आप वाटर को फिल कर सके। सेकेंड मैकेनिज्म इज अ कैपिलरी ट्यूब। एक राउंड ट्यूब ऊपर से दी होती है जो कि नीचे वाले रिजर्वायर को कनेक्ट करती है, और इस ट्यूब के जरिए हम वाटर भेज सकते हैं। एंड थर्ड एंड मेन फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ वाटरिंग पॉट इज अ वाटर डिलीवरिंग मैकेनिज्म। सो वाटर डिलीवरिंग मैकेनिज्म में फैब्रिक, रोप या वीक का इस्तेमाल होता है, और जनरली वाटर डिलीवरिंग मैकेनिज्म रिजर्वायर और प्लांटेशन पॉट के बीच में होता है। और इसका मेन काम होता है कि जो रिजर्वायर का वाटर है वो प्लांटेशन पॉट के सॉइल तक पहुंचाना। इसका एग्जैक्ट वर्किंग और बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जो है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, यहाँ पे कहीं आई बटन में वो वीडियो फ्लैश होता होगा, प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो इफ़ डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में राउंडिश और सर्कुलर टाइप के पॉट पाए जाते हैं, और मेन ड्रॉबैक सेल्फ वाटरिंग पॉट का है कि वो कम साइजेस उसके ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और कलर ऑप्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन का थोड़ा फ्रीडम है, तो मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन करने का ट्राई करूँगा और देखते कैसा रिजल्ट आता है। सो डिज़ाइन के लिए मैं ब्लेंडर एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, लेट्स गेट इनटू इट। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू गिव क्विक डिस्क्लेमर। This is not a typical tutorial video. This is a more like my design workflow and how I design particular thing. So starting from the basic cube we get in Blender, and then we mold that shape into shape of the pot, and then we build the three essential component of that particular pot, and then we materialize it using Blender shredding tool, where we can give particular material properties to that pot. And then finally we render according to our need.
you like this video, make sure hit that like and subscribe button and comment down your thought. Until next time, see you later.